अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाहीन और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुक विद शाहीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा, जो बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 kg गाजरें ली हैं, यानी 1 किलो गाजरों को सबसे पहले इसका छिलका उतारने के बाद ग्रेट कर लिया, यानी कद्दूकस कर लिया। चलिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में हम देसी घी ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। जैसे घी मेल्ट होगा इसमें हम ग्रेट की हुई गाजरें ऐड कर देंगे। घी की जगह आप ऑयल में भी और गाजर का हलवा बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में गाजर का हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है और फ्लेवर में लाजवाब होता है। गाजरें भी हमने ऐड कर दी हैं, घी भी हमारा मेल्ट हो चुका हुआ है। अब गाजरों की अच्छे से साथ साथ भुनाई करेंगे, साथ साथ इसका पानी ड्राई करेंगे। जैसे ही गाजरों का पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए और गाजरों का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, फिर हम दूध ऐड करेंगे। लगातार आपने पकाना है चम्मच चलाते हुए, कवर आपने बिल्कुल नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर आपने लगातार पकाना है। तो देखें गाजरों का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया और पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो चुका हुआ है। अब हम दूध ऐड करेंगे, 1.5 कप हम दूध ऐड करेंगे। बलाई वाला मैंने दूध लिया है, फ्रेश दूध है ये। दूध हमने ऐड कर दिया है, 1.5 कप दूध है। दूध ऐड करने के बाद साथ ही हम चीनी भी ऐड कर देंगे। 1 किलो गाजरों में हम 1 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी अगर आपको कम पसंद है तो आप अपनी मर्जी से शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप चीनी भी साथ ही ऐड कर देंगे। 1 कप चीनी भी ऐड कर दी है, मज़ीद हम पकाएंगे। जैसे ही दूध खुश्क होना शुरू हो जाए और चीनी का जो पानी है जो रिलीज़ करती है चीनी, वो भी खुश्क हो जाए, फिर हम भुनाई करेंगे। अब साथ ही हम बादाम, पिस्ता, ड्राई नट्स ऐड करेंगे। बादाम, पिस्ता, काजू जो मैंने बारीक काट लिए थे। गाजर के हलवे को ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए 1 teaspoon इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इलायची पाउडर और ड्राई नट्स ऐड करने के बाद मज़ीद हम 4 से 5 मिनट लगातार आपने पकाना है मीडियम फ्लेम पर। दूध भी अच्छे से खुश्क हो चुका हुआ है और चीनी जो अपना पानी रिलीज़ किया था वो भी खुश्क हो चुका है। अब साथ साथ हम गाजर के हलवे की अच्छे से भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पर और लास्ट में हम पनीर ऐड करेंगे। होममेड पनीर है, आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हमने गाजर के हलवे की भुनाई कर ली है, अब लास्ट में हम होममेड पनीर ऐड करेंगे। 1 kg मैंने दूध लिया था, दूध को एक बॉइल करने के बाद मैंने एक उबाल दिलवा लिया था। उसके बाद मैंने 1 से 2 टेबलस्पून विनीगर ऐड किया। उसके बाद दूध जो है फटना शुरू हो जाता है और फटने के बाद जब वो ठंडा हो जाए उसको आप छान लें, किसी मलमल के कपड़े में छान लें, उसका पानी ड्रेन कर लें या किसी छाननी में आप ड्रेन कर लें। इस तरह होममेड पनीर आपके पास बन जाएगा। होममेड पनीर घर में ही आप आसानी बना सकते हैं। और लास्ट में हम ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए हलवे में केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया है। अगर आपके पास पनीर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं। पनीर से भी बहुत ज़बरदस्त हलवे का फ्लेवर आता है। देखिए इस तरीके से गाजर का हलवा पकाने से गाजरों का कलर नहीं चेंज होता। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया गाजर के हलवे का और फ्लेवर में तो बहुत ही लाजवाब है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और लास्ट में हम गार्निश करेंगे पनीर के साथ, होममेड पनीर है। साथ ही हम गार्निश करेंगे बादाम, पिस्ता और काजू के साथ। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आपने सर्दियों में ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को और हर कोई आपकी तारीफ करेगा कि किस तरीके से आपने गाजर का हलवा बनाया है। यकीन करें ये बिल्कुल सेम शादियों वाला हलवा लगता है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा दूसरा चैनल है ईट मोर विद शाहीन उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।